आज 15 अगस्त 2020 है। पहली बात तो सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि इस दिन को हम लोग बहुत मिनिमली सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन और बहुत लोगों के तो मन में वो सेंस ऑफ है ना फ्रीडम फील भी नहीं होती। लोगों को ये पता भी नहीं है कि जब तक क्योंकि हम वो जनरेशन है जिसने कुछ नहीं देखा, जिसने लिटरली कुछ नहीं देखा, और कोई हिस्टोरिक चीज़ देखी है तो शायद 370 का हट जाना, राम मंदिर का बन जाना, और आगे देखेंगे तो बात अलग है। हमने और आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछे आज़ादी के वो दिन, वो खून खराबा, वो लड़ाई, या उनसे वो कहानियाँ पूछिए जो फ्रीडम फाइटर्स ने उनके अपने स्ट्रगल के दिनों में झेली हैं, अगर किसी को कुछ बताने में आए, या कुछ नहीं तो किसी आर्मी वाले से, किसी बड़े मतलब ओल्ड एज आर्मी वाले से कुछ पूछिए, किसी वेटरन से कुछ पूछिए, वो बताएं। हम लोग जब तक इस फ्रीडम की कीमत नहीं समझेंगे, इस देश को बचाने की जो वो अंदर से आती है ना बात की, अपने आप में ही कुछ फील होता है कि नहीं कुछ करना है, कुछ गलत हो रहा है, इसको रोकना है, आपको नहीं पता चलेगा। मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली दो पर्पसेस से बना रहा हूँ, कुछ फ्यूचर की बातें करनी और अपने चैनल का एक क्लैरिफिकेशन मुझे देना है। लोगों को हमेशा से लगता होगा मेरे चैनल का ये किसी भी वीडियो देख के कि मैं एंटी मुस्लिम हो रहा हूँ, या किसी कम्युनल हार्मनी को ख़राब करने के लिए कोई अटेम्प्ट कर रहा हूँ, या हिंदू मुस्लिम बातें कर रहा हूँ, मतलब इसी टाइप की चीज़ें उनके दिमाग में होंगी। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं जिस जिसको लगता है पहली बार तो, और जिस जिस वीडियोस पे लगा करें। तो मेरा सबसे हमेशा से रहा है, लेकिन मैं बीच बीच में वीडियोस में बोलना अवॉइड करता हूँ क्योंकि मैंने पहले वीडियोस में बोल रखा है, इस बार फिर से बोल देता हूँ। आप हर उस वीडियो में मुझे पर्टिकुलर पॉइंट पे टोक के कि ये बात जो तुमने बोली है इस सेकेंड पे ये गलत है, इसका सही जवाब ये है। मैं अगर गलत साबित हुआ मैं वो वीडियो हटा दूंगा और एक रिटन क्लैरिफिकेशन या माफ़ी दे दूंगा। पहली चीज, आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व, मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन अगर आप गलत हैं तो वो भी बताइए, एक्सेप्ट करिए, क्योंकि सिर्फ पे हिंदू मुस्लिम का टैग लगा देने से अगर आप बच के निकल जाएंगे, वो चीज़ वैनिश हो जाएगी, मेन स्ट्रीम से हट जाएगी, तो ये तो आपकी बेवकूफ़ी है। रही बात मेरे इस चैनल की, मेरे चैनल के वीडियोस बनाने की, तो मेरा सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो मैं क्लियरली आज बता देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा दिन है, भारत की बात करते हैं। मेरा एक मोटिव है अखंड भारत बनते हुए देखना, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरा इसी से संबंधित, जो मेरे भारत की जो क्वालिटीज़ थी, अभी हैं तो दबी हुई हैं, उनको उभारना है, कल्चरल क्वालिटीज़, हर वो चीज़ जिसको आज की डेट में कहा जाता है कि तो दकियानूसी बातें हैं, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, उस चीज़ को साइंटिफिक साइंस या फिर फॉरेनर्स या ब्रिटिशर्स या अमेरिकन जो भी, वो जो यहाँ से ले गए वो यूज़ करके अपने आप को मॉडर्न बना रहे हैं, और हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करके मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी सभ्यता को भूल लें, और उस पर गर्व तो छोड़िए शर्म करते हैं हम लोग। तो ये मेरा लक्ष्य है कि मुझे ये करना है। अब कितने लोग मेरा साथ देंगे, कितने लोग और साथ देने में क्या है, साथ देने में आपको क्या करना है आपको पता, अगर आप कोई मुझसे पूछे कि आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करना है ताकि मेरी बात दूर दूर तक पहुंचे, आपका सहयोग तो इतना ही होगा कि आप कैसे दूसरों को कन्विंस कर पाते हैं कि हमारे देश की क्वालिटीज़ क्या हैं और इसको प्रिजर्व करके रखना है। ये करने में तो किसी का कुछ नहीं जा रहा मुझे लग रहा है, और मैं अपनी वीडियोज़ में हिंदू मुस्लिम वाली बातें सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि वो इंसिडेंट्स होते हैं, उसके पीछे की जो थ्योरीज हैं, उसके पीछे की जो कॉन्स्पिरेसी है, उसके पीछे के जो एजेंडाज हैं, उसके पीछे की जो मोटिवेशन है, उसके पीछे के जो लोग हैं, उनके बारे में नहीं बोलेगा आदमी तो मतलब करने वाले ने तो करने से पहले नहीं सोचा ना, तो बताने वाला बताने से पहले क्यों सोचे, बस बेसिक सा लॉजिक है। चीज़ हो रही है तभी तो मैं बता रहा हूँ, मैं कोई मन घड़न ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी हूँ, पहले मैं दंगा करवाता हूँ उन्हीं लोगों से और फिर उन्हीं का नाम लेकर उनको जलील करता हूँ, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा। आपका सवाल ये होना चाहिए और आपका सवाल उनसे होना चाहिए, ये तुम कर क्यों रहे हो, वो अपने वो नारे क्यों लगा रहे हो, जो नारे तो आतंकवादियों को लगाते हो सुना गया है, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर,
वही नारे बेंगलुरु राइट में लगे, वही नारे दिल्ली राइट में भी लगे, वही नारे यूपी में लगे जब CAA वाला प्रोटेस्ट चल रहा था। तो सब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप सवाल किससे पूछते हैं। और आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि YouTube कुछ हद तक मेरी वीडियोस को ब्लॉक करे, रीच को कम कर दे, लोग रिपोर्ट कर दें उससे कम हो जाए। अगर आप मेरा समर्थन करते हैं तो आप वीडियोस को शेयर करिएगा, आप इतना तो कर सकते हैं अगर आप समर्थन करते हैं तो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि मैं रात को ही अपलोड करने वाला था, कर दूंगा इसके बाद। जय हिंद, वंदे मातरम, और एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। I got broads in Atlanta, just to be in the family, credit cards and scams, hitting the licks. Hindu bhaiyo, share bano, jawab do, na share ban sako, to share karo, daba ke share karo.